हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज से तो और फेस कैसा लग रहा है क्या करे, बहुत बोल देना बहुत डिफिकल्ट है। कोई मतलब मरता है ना तो उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। अगर पूरा रीति रिवाज से उसको निभाइए तो फाइनली आज 6 दिन हो गया, तो कल हम लोग नहाएंगे। और कल नहाने के बाद ही कुछ होगा, मतलब क्रीम उरीम लगाएंगे फेस उस पे। 1 हफ्ता हो गया ना मेरे फेस पे कोई क्रीम लगाए ना, बाल झाड़ी हूँ, बाल भी ऐसे मेरे पूरा चिपक गया है। ऐसे देखिए पूरा ऐसे लग रहा है ना कि इसमें ही चिपक गया है। और उसके बाद से क्या बोलते हैं, और उसके बाद से तो 2-3 तब साफ सुथरा हम लोग करेंगे, घर उर झाड़ेंगे पोछेंगे कपड़ा धोएंगे। और उसके बाद छुटका ख़त्म हो जाएगा तो पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगा। पूरा फेस का तो एकदम बैंड बज गया है, तो क्या करें। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब जो नियम होता है वो नियम तो कितना भी कठिन हो मुश्किल हो उसको निभाना पड़ेगा। तो सुबह मेरे हस्बैंड लाए थे मटर, हरा मटर। तो अब हरा मटर मतलब होता है ना कि अब हरा नहीं रहा, सूख जा रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और मेरे हस्बैंड को तो मटर इतना पसंद है ना कि मत पूछिए। जब सीजन आता है ना, बाइक जा रहा है तो जब सीजन आता है तो फर्स्ट सीजन ही रहता है 200-300 रुपये किलो रहेगा, तब से वो लाना शुरू करेंगे। और तब से बनते बनते जब ख़त्म होने लगेगा तब तक वो खाते हैं। तो मैं दिखाई है मटर, देखिए सारा सूख सूख गया है, जबकि ये आज ही लेकर आए हैं। होता कि जो 2-3 दिन हो गया होता तो एक बात है, ये आज ही का मटर इतना सूख गया है। तो मैं इन सबको छुड़ाती हूँ और छुड़ा के मैं रखती हूँ। और उसके बाद छुड़ा दूँगी तो फ्रिज में रख दूँगी तो कहीं ये हरा रहेगा, नहीं तो ये बाहर और हवा से सूख जाएगा। मैं इसी को लेकर बैठी हूँ छुड़ाने, तो सोची कि इसको छुड़ा लेती हूँ। और उसके बाद देखती हूँ टाइम कितना हो रहा है, 1:30 बज रहा है, आधा घंटा और बीतेगा तो नहीं, वो तो मैं चाय पीऊँगी। थोड़ा मेरे सिर में दर्द हो गया है तो, और 2-3 3-4 दिन तक तो ठीक था, लेकिन कल से मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। देखिए अभी मैं छत पे चल रही हूँ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कल का गमला, सब सब तैयार कर रखी हूँ। तो देखिए कल दिखाई थी तो ये गमला है, दोनों में मिट्टी रख दी हूँ और सिर्फ प्लांट मतलब लाकर लगाना है इसमें दोनों में। तो देखिए कल सारा मैं नीट क्लीन कर दी। और ये देखिए गुलाब का फूल कितना फूल रहा है, एक ही पेड़ में कम से कम 10-20 लग गए हैं गुलाब के फूल। और इसमें भी मैं रोप दी पौधा मिट्टी रख कर, और मिट्टी में इसमें रख दी और 2 नीचे गमले में रखी। और ये वाला फूल यहाँ है, अब ये भी मुरझा रहा है देखिए, कल तक ये भी सूख जाएगा। तो एक बार जब फूलता है तो कम से कम 3-4 दिन तक ये रह जाता है फूल, और मैं अभी वो खा रही हूँ चॉकलेट। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। अब मैं फूल में डालूँगी पानी और उसके बाद नीचे जाऊँगी तो मैं खाना उना बनाऊँगी, क्योंकि 6:30 हो गया। और थोड़ा सा पानी भी डाल लूँगी और थोड़ा सा ऐसे छत पर हवा भी खा लूँगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब अगल बगल का थोड़ा व्यू भी दिखा देती हूँ कैसा है। तो हम लोग के कुछ अगल बगल का ये व्यू है, देखिए इधर पूरा गौशाला है जिसमें गाय रहती है सब, ऐसे कुछ घर है। तो कुछ ऐसा ही व्यू है, शाम का भी नज़ारा है। तो देखिए तो कुछ ऐसा ही व्यू है हम लोग के पास का, घर के पास का। और ये मेरे घर के पास खाली ज़मीन, और यहाँ पे है मेरे पौधे सारे, और कुछ यहाँ पे
और कुछ नीचे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और न्यू फ्रेंड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।